प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का हमारा टॉपिक यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे करते हैं, ठीक है। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यानी कि विलोपन विधि, ठीक है। तो विलोपन विधि से हम कैसे समीकरण बनाते हैं उसके बारे में आप देखिए। क्या है ना कि आपको यह वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो क्या है, हम चलिए जानते हैं कि विलोपन विधि से हम कैसे समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, समीकरण मेरा हल करने के लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने के लिए सबसे पहले तो इसमें दो चर होना आवश्यक है। एक चर मेरा है एक्स और एक चर मेरा क्या है वाई है। यहाँ भी एक चर एक्स है और यहाँ भी वाई है, इसका मतलब यह समीकरण एक है और यह समीकरण दो है। यानी कि दो मेरा समीकरण है, एक ऊपर वाला समीकरण है और एक नीचे वाला समीकरण है। ये पहला समीकरण हो गया और यह दूसरा समीकरण, इसको हम मान लेते हैं। तो क्या हमारा विलोपन विधि से हल करने के लिए, तो विलोपन विधि से हम हल कैसे करते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से हम देखे थे कि एक का मान एक में डालते हैं और उसके बाद हल कर लेते हैं। और विलोपन विधि से हम कैसे हल करेंगे तो उसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले समीकरण एक यह हो गया और यह समीकरण दो हो गया, तो समीकरण एक और दो को यहाँ पर जोड़ते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं, या तो समीकरण एक और दो को जोड़ते हैं और नहीं तो घटाते हैं। कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं उसको देखें। सबसे पहले इस दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x + 3y = 4 है, यहाँ पर x - 2y = 3 है, तो या तो हम x वाले चर को ये दोनों को बराबर कर देंगे, जैसे यहाँ पर 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, और नहीं तो y वाले चर को यहाँ पर 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए, चाहे यहाँ पर 3x को गुना करके कुछ और कर देंगे, यहाँ पर गुना करके कुछ और कर देंगे, यानी कि दोनों में से किसी एक बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको बराबर करने के लिए हम तिरछा गुना करते हैं। तिरछा गुना का मतलब जब यहाँ पर किसी एक को बराबर करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस जो है ना उसको बराबर करने में हमको ज्यादा बेटर रहता है। अगर दोनों जगह प्लस रहा तो उसको हम क्या दूसरे विधि से हम बनाते हैं, उसको घटाव करते हैं, यानी कि उसका अलजेब्रा का घटाव करेंगे। लेकिन अभी दोनों में जो जोड़ है इसको हम देखते हैं और उसके बाद घटाव का भी हम आपको प्रोसेस बता देंगे, ठीक है। क्या है ना कि इसको बराबर कैसे करते हैं, तो यहाँ पर दो है ना तो ऊपर वाले में दो को हम गुना कर देंगे। इसको बराबर करने के लिए हम ऊपर में दो से गुना कर देंगे और यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर भी हम तीन से गुना कर देंगे। यानी कि नीचे में दो रहेगा तो ऊपर वाले को बराबर करने के लिए ऊपर दो से गुना करेंगे और यहाँ पर जो रहेगा तीन तो यहाँ पर तीन से गुना करेंगे। और इसको हम कैसे गुना करेंगे, तो यहाँ पर इसको फर्स्ट से ही गुना करेंगे, तीनों पद में इसको गुना करेंगे, तो दो दुना कितना हो जाएगा यानी कि 4x, बीच में प्लस है तो प्लस, तीन दुना कितना हो जाएगा 6y, बराबर क्या हो जाएगा 4 × 8, ठीक है, बराबर 4 × 8। फिर क्या हो जाएगा, 3x का गुना होगा तो 3x, क्या माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस माइनस, यानी कि 3 × 2 कितना हो जाएगा 6y, बराबर 4 × 3 = 9, यानी कि पूरा में गुना होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यानी कि पूरा में गुना होगा, यह दो से इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, यह तीन से जो गुना होगा इसमें भी होगा, इसमें भी, इसमें भी होगा, यानी कि तीनों में गुना होगा। अब क्या होगा, आप इसको जोड़िएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, देखिए जोड़िएगा तो क्या होगा, जब यह दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, यह दोनों आपस में कट जाएगा, यानी कि प्लस में 6 और माइनस में 6 यह दोनों आपस में कट जाएगा, कट के यानी कि 0 हो जाएगा, उससे अच्छा है कि हम काट ही देते हैं, और यह दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा यानी कि 7x, 7x बराबर कितना 9 8 17, 7x बराबर कितना हो गया 9 8 17, तो x का मान कितना हो जाएगा 17/7, x का मान कितना आ गया 17/9 8 17, और 17 इधर का और ये 7 जो है वह नीचे आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x का मान जो आया है यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण एक या दो में रखने पर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक मेरा क्या कहता है 2x + 3y = 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x + 3y = 4, यानी कि 2x + 3y = 4 यहाँ पे हम लिख दिए। अब समीकरण x क्या कहा है कि x का मान समीकरण एक में रखेंगे, तो समीकरण एक जो यहाँ पे हम लिखे हैं तो इसमें x का मान हम रख देंगे, तो x का मान मेरा कितना आया है 17/7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 × x का मान कितना 17/7 + 3y = 4, और क्या हो जाएगा 17 × 34/7 + 3y = 4, ये 3y है इधर में तो इधर अपने साइड में रह जाएगा, तो 3y रह जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा
चार, इधर प्लस में 34/7 है, इधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 34/7। अब क्या होगा इसका भिन्न का घटाव हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y बराबर 7 है तो 7 LCM लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक 7 यानी कि 1 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो मेरा 7 आएगा, तो 7 को हम 4 से गुना करेंगे तो 7 का कितना हो जाएगा 28 माइनस 7 × 7 और 1 को 34 से गुना करेंगे तो 34 हो जाएगा। फिर क्या होगा मेरा समीकरण 3y बराबर 28 में से 34 किया तो कितना हो जाएगा माइनस 6/7। अब क्या होगा ये 3y है ना, इसको क्या कीजिए आप तिरछा गुना कीजिए, क्या कीजिए आप तिरछा बटे 1 देकर के तिरछा गुना कीजिए, क्या हो जाएगा वाई वाले को 7 × 3 = 21y बराबर -6, तो y का मान कितना हो जाएगा -6/21। काटने का मान है तो क्या काट दीजिए यानी कि 2 तिहाई -2 तिहाई 6 और 7 × 21 क्या हो जाएगा आंसर -2/7। y का मान कितना आ गया -2/7 और x का मान कितना आ गया 17/7। ठीक है, x का मान कितना आ गया 17/7 और यही फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप विलोपन विधि का हल करते हैं। विलोपन विधि से अगर कोई भी समीकरण का प्रॉब्लम आता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। और देखिए जिसमें प्लस माइनस रहेगा ना तो उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो आपको हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें प्लस और प्लस रहेगा तो उसका आपको क्या कैसे काम करना है उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग गया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको अगर देखना है तो आप इस चैनल विजिट करके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। देखिए एग्जांपल के रूप में हम दे देते हैं एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, आप इसको बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, 2x + 3y = 8, 9x - 4y = 7। ठीक है, इसको आप बना करके हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए ताकि हमको भी पता चले कि आप जो देखे हैं यह वीडियो आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।